केन का तात्पर्य क्या है? यहाँ पे जैसे मैंने पिछले उपनिषद में बताया था ना कि उपनिषद का टाइटल ही अपने आप में पूरे उपनिषद के बारे में बता देता है। इसी प्रकार जो केन उपनिषद है, केन उपनिषद में भी जितने भी मंत्र जो स्टार्टिंग होती है वो मंत्र से ही होती है। केन इषितम पतति मनः, केन इषितम प्राण चलति। तो इस प्रकार से केन इषितम कर करके, मतलब केन का अर्थ होता है किसके द्वारा या किसने, किसने का तात्पर्य है। यहाँ पे जो शिष्य पूछ रहा है कि किसने ये सब किया है, तो उत्तर में हमेशा क्या ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि ब्रह्म विद्या का विषय है तो उत्तर तो ब्रह्म ही आएगा। तो यहाँ पर वही है, केन का तात्पर्य है किसने या किसके द्वारा। नेक्स्ट हम स्लाइड में जाएंगे। सबसे पहले सिर्फ ये अभी हमने अर्थ समझा है, तो किसके द्वारा अर्थात ये उपनिषद की विषय वस्तु ही होगी कि क्वेश्चन आंसर है। यहाँ पर प्रश्न से स्टार्ट होगा उपनिषद। केन उपनिषद जो है सामवेदीय तलवकार ब्राह्मण के 9वें अध्याय से लिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। ये पूछा जा सकता है कि किस अध्याय से लिया गया है, तो सामवेदीय तलवकार ब्राह्मण के 9वें अध्याय से लिया गया है। और सामवेद से कौन सा उपनिषद लिया गया है? चूड़ामणि उपनिषद, और अभी मेन छांदोग्य उपनिषद में, उपनिषद, हाँ छांदोग्य उपनिषद नीरज, जी दीदी। हाँ ठीक है। तो छांदोग्य उपनिषद जो लिया गया है वह भी सामवेद से लिया गया है। कर्सर, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यदि देखा जाए सामवेद, सॉरी इसके केन उपनिषद के अन्य नाम कौन कौन से हैं, तो इसे जैमिनी उपनिषद भी कहा जाता है, ब्राह्मणों उपनिषद भी किया कहा जाता है, क्योंकि ये तलवकार ब्राह्मण से लिया गया है इसीलिए इसे तलवकार उपनिषद भी कहा जाता है। इसके बाद जैमिनी जो होते थे ना, जैमिनी क्योंकि ब्राह्मण होते थे, जैमिनी ब्राह्मण, यहाँ पे ब्राह्मण जो तलवकार ब्राह्मण से लिया गया था, इनकी कुछ शाखाएं होती थी, जैमिनी ब्राह्मण अलग होते थे, ऐसे करके कई डिवाइड होते थे। इस वजह से ये जो आता था, जैमिनी जो ब्राह्मण होते थे उनके अंतर्गत ये उपनिषद है, मतलब उन्होंने इसका विस्तार किया है यदि देखा जाए तो। सामवेद उपनिषद, सामवेद में इसको बताया है, इसीलिए इसका नाम इन्हीं तीन शब्दों पर है। पहला सामवेद से यदि लिया गया है, दूसरा तलवकार ब्राह्मण से लिया गया है तो तलवकार भी बोला जाता है, तीसरा ब्राह्मण के 9वें अध्याय से लिया गया है इसीलिए इसे ब्राह्मण उपनिषद भी कहा जाता है, और इसे जैमिनी उपनिषद भी कहा जाता है। इसमें चार खंड हैं, जैसे चार अध्याय होते हैं उसी तरह चार अध्यायों को इसमें खंड कहा गया है, तो इसमें चार खंड हैं। ध्यान रखिएगा, कई जगह अध्याय आएंगे कई जगह खंड आएंगे, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि चार खंड हैं और मंत्र कितने हैं, 34। यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कितने खंड है और कितने मंत्र हैं। जो जिसमें कम मंत्र हैं उनमें तो अक्सर पूछा जाता है, जैसे ईशावास्य उपनिषद हो गया उसमें 18 मंत्र हैं और उसमें अध्याय नहीं है ना ही कोई खंड है, लेकिन केन उपनिषद में कितने खंड है, 4। अब विषय, विषय से तात्पर्य यहाँ आपके सिलेबस से है। विषय में आपके सिलेबस में क्या दिया है, हमको क्या पढ़ना है, हमें पूरा उपनिषद नहीं पढ़ना है, सिर्फ मेन जो विषय वस्तु रहेगी आत्म स्व, आत्म मतलब स्व, स्व के लिए, आत्मा के लिए बोला गया है, और मन एवं सत्य की अंतर्दर्भी अनुभूति यक्ष के उपाख्यान की शिक्षा। सत्य की, सत्य यहाँ पे परमात्मा को कहा गया है, तो परमात्मा की अनुभूति कैसे होती है यह उपाख्यान बताया गया है, और यक्ष का उपाख्यान बताया गया है कि यक्ष के द्वारा कैसे जो देवों को है उपाख्यान दिया जाता है और उनको उनकी गलती का एहसास कराया जाता है कि कैसे उन्हें घमंड हो जाता है, उन्हें अहंकार आ जाता है, तो उस अहंकार को चूर करने के लिए ब्रह्म ने यक्ष रूप धारण किया और यक्ष ने अपनी उपाख्यान के द्वारा उनका अहंकार को दूर किया। तो यहाँ पर हम तीन चीज पढ़ेंगे, एक तो आत्मा स्वयं के बारे में, मन के बारे में और ब्रह्म के बारे में, तीन चीजों के बारे में। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि उपनिषद स्टार्ट ही होता है केन इषितम पतति मनः, है ना। यहाँ पे और भी है, मतलब मैं आपको पूरा मंत्र ये वाला दिखा देती हूँ, वेट करिए। ये मंत्र एक बार जरूर देखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है उस मंत्र का एक पैरा दे दिया गया, पूछ लिया गया, तो ताकि आपको याद रहे, ठीक है। याद नहीं करना है, सिर्फ देखना है,
देखने से वो आपके माइंड में एक बार जब सेट हो जाता है ना, तो जब आप उसे दोबारा देखते हैं तो याद आ जाता है। ये केन उपनिषद का जो प्रथम मंत्र है, प्रथम खंड का, केनिषितम पतति प्रेषितम मना, केन प्राणः प्रथमा प्रेति युक्ता, केनिषिताम वाच मिमाम वदन्ति चक्षु, श्रोतम का उदेवो युनक्ति। अर्थात यहाँ पे चार प्रश्न पूछे जाते हैं। गुरु और शिष्य का संवाद चल रहा है, तो शिष्य चार प्रश्न पूछते हैं अपने गुरु से और कहते हैं कि किसके द्वारा वाणी प्रेषित होती है, ये किसके द्वारा मन जो है विषयों में जाता है, किसके द्वारा श्रेष्ठ प्राण चलता है, किसके द्वारा वाणी क्रियाशीलता है, किसके द्वारा नेत्र और कर्ण को नियुक्त करता है। मतलब कुल मिलाकर आप यदि देखा जाए, उन्होंने ये पूछा है कि जैसे आप देख रहे हैं, कैसे देख पा रहे हैं, ऐसी क्या शक्ति है जिसके कारण आप देख पा रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ऐसी क्या शक्ति है जिसके कारण आप सुन रहे हैं, ऐसी क्या शक्ति है जिसके कारण मैं बोल रही हूं और आप सुन रहे हैं, तो ऐसी कौन सी शक्ति है। तो ये शिष्य ने अपने गुरु से पूछना चाहा है। तो वही है कि ये पहला मंत्र जो होता है, के निशितम पतति मना, किसके द्वारा किसने, तो ये आपको याद रखना है कि ये इस उपनिषद का वाक्य है। यहाँ देखेंगे हम जैसे प्रथम और द्वितीय खंड में क्या बात की गई है, गुरु शिष्य संवाद की किया गया है, और तृतीय और चतुर्थ खंड में देवताओं का अभिमान, उमा इंद्र संवाद, परम ब्रह्म की उपासना। ये एक शॉर्ट आइडिया के लिए रखिएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है ना तो हम थोड़ा सा भूल जाते हैं कि ये कहाँ पर है। तो आपको ये याद रहेगा कि लास्ट में उमा इंद्र का संवाद हुआ है, लास्ट में देवताओं के अभिमान की बात की गई है, तृतीय और चतुर्थ में, तो उससे आप आंसर अच्छे से लगा पाएंगे। तो जैसा कि हमने देखा, चार प्रश्न हैं, इनके उत्तर क्या देते हैं गुरु, कि मन प्राण वाणी नेत्र ये सब जो है ईश्वर के द्वारा ही चलते हैं, ईश्वर इनका क्या है, ईश्वर ही इनका कारणभूत है। यदि ईश्वर नहीं होता तो ना तो आप सुन पाते, ना देख पाते, ना ही आप चल पाते, ना प्राण वायु जो है कहते ना चाहिए कि श्वास, ना ही आप श्वास भर पाते। तो इन चारों का जो कारणभूत कौन है, वह ईश्वर तत्व ही है। तब जो ब्रह्म है की महिमा यहाँ पे गुरु बताते हैं, उनके शिष्य कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो वो कहते हैं मन प्राण वाणी और श्रोत के द्वारा ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता। मतलब क्योंकि वो शिष्य कहते हैं ना कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो अपने मन के द्वारा अपने प्रश्नों के उत्तर, मतलब उसको जिज्ञासा जो है, कहीं ना कहीं वो मन के द्वारा ईश्वर को जानने की चेष्टा कर रहा है, बोल रहा है मुझे तो दिख नहीं रहे हैं, मैं कैसे मान लूं कि ईश्वर ही इन सब का कारणभूत है। तो उनके गुरु कहते हैं कि मन प्राण वाणी श्रोत इन सब के द्वारा ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता, बल्कि मन की शक्ति, वाणी की शक्ति, प्राण की चेष्टा, चक्षु एवं श्रोत शक्ति, इसे ही तो ब्रह्म जाए। मतलब जो मन की शक्ति है, यदि आप सोच विचार रहे हैं किसी चीज को, सोचने में, वाणी से बोलने में, प्राण की चेष्टा, मतलब प्राण आप श्वास प्रश्वास कर रहे हैं, चक्षु यदि आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो यह सब क्या है, इसे ही ब्रह्म जानना है। ब्रह्म को अलग से नहीं जानना तुम्हें कि तुम कहीं और ढूंढो। वो कहते हैं ना, हमने सुना था, जंगल जंगल ढूंढता फिरता मृग अपनी कस्तूरी, कितना मुश्किल हो गया है खुद से खुद की दूरी। तो यहाँ पे गुरु यही शिक्षा दे रहे हैं कि तुम बाहर ढूंढ रहे हो, लेकिन जो तुम्हारे अंदर है ये सब किससे है, ये सब ही ईश्वर से है, और यही ब्रह्म है, इसी को तुम ब्रह्म जानो, तुम ब्रह्म को अलग से मत ढूंढो कहीं। तो यहाँ पर जो प्रथम खंड है, प्रथम खंड में सिर्फ यही है कि ब्रह्म की महिमा बताई गई है, चार प्रश्न पूछे गए हैं, और उन प्रश्नों के उत्तर क्या है, सिर्फ एक उत्तर है कि ब्रह्म ही है, चारों प्रश्नों का उत्तर ईश्वर ही है, चारों प्रश्नों का उत्तर ब्रह्म है। इसमें किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ डाउट है कि सभी को क्लियर है? यहां से यदि प्रश्न बनेगा भी आपका, तो यही बन सकता है कि मन प्राण वाणी स्रोत चक्षु का कारणभूत कौन है, ऑप्शन में ब्रह्म आ सकता है या तो ईश्वर तत्व आ सकता है। और हमेशा प्राथमिकता ब्रह्म को देना है, मतलब मान लीजिए कभी कभी दो ऑप्शन आ जाते हैं ना, तो ब्रह्म, क्योंकि आप जब वो पढ़ेंगे, मंत्र पढ़ेंगे, तो वहां पर डायरेक्ट ब्रह्म लिखा रहता है, ईश्वर नहीं लिखा होता है, ईश्वर वो एक हिंदी
अनुवाद में बोल दिया जाता है। नेक्स्ट द्वितीय खंड, द्वितीय खंड में ब्रह्म ज्ञान, आत्मा और मस्तिष्क के बारे में चर्चा की गई है कि ब्रह्म ज्ञान कैसे हुआ और आत्मा कैसे उसका भान करती है और कैसे मस्तिष्क के द्वारा हम उसे समझते हैं। एक मिनट, चलिए यहां पर सबसे पहले आप देखेंगे जो मंत्र दिया है, आत्मना विदंते वीर्यम विद्या विदंते अमृतम। यहाँ पर बताया गया कि किस प्रकार से आप ब्रह्म को जान सकते हैं, इसका भी मैं एक बार आप लोगों को मंत्र दिखा देती हूँ, दूसरे खंड में है। ये देखिए ये वाला, प्रतिबोध विदितम मत ममृ तत्वम ही विदंते, आत्मना विदंते वीर्यम विद्या विदंते अमृतम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे यही बताया गया है, हमें क्या जानना है, विषय वस्तु जो हमने पढ़ी थी कि ब्रह्म को जानना है, तो कहा कि कैसे जान सकते हो ब्रह्म को, तो यही है आत्मना विदंते वीर्यम विद्या विदंते अमृतम। आत्मज्ञान के द्वारा, आत्मज्ञान मतलब यहाँ से आत्मा को ही बोला गया है कि आत्मा के द्वारा, आत्मा में जो ज्ञान है उसके द्वारा आपको आत्मबल आएगा, आत्मबल आएगा और आत्मबल के द्वारा ही विद्या की प्राप्ति होगी, विद्या की प्राप्ति से ही आत्मस्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होगी। ये पूरा सीक्वेंस याद करके रखना है क्योंकि ये आ सकता है कि इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि आत्मस्वरूप परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है, और जो सीक्वेंस मिलाने के लिए दिए रहते हैं आजकल जो क्वेश्चन आता है, चार ऑप्शन बस नहीं आता है, सीक्वेंस भी दे सकते हैं कि ए बी सी सीक्वेंस दे दिया और उनको सीक्वेंस में लगा के फिर ऑप्शन दे दिया कि ए हुआ सही बी हुआ, तो हो सकता है आपका आत्मविद्या पहले दे दिया या तो आत्मबल पहले दे दिया। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे आत्मज्ञान की जगह सिर्फ आत्मा भी लिखा आ सकता है ये, ठीक है, यहाँ ये आत्मज्ञान इसीलिए बोला गया है कि आत्मा, जब व्यक्ति आत्मा को जानेगा तो वह आत्मज्ञान कहला जाएगा, आत्मज्ञान को जानेगा तभी उसमें क्या आएगा, आत्मबल आएगा, और आत्मबल के द्वारा आत्मविद्या को जानता है, आत्मविद्या के द्वारा ही आत्मस्वरूप परमात्मा की उसे प्राप्ति होती है। मतलब आत्मविद्या कि किस प्रकार से परमात्मा को जाना जा सकता है, कैसे कैसे आप परमात्मा की अनुभूति कर सकते हैं, तो वह यहाँ पे बताया गया है। और कहा गया कि परम ब्रह्म को प्राप्त कर यथार्थ लक्ष्य पा लिया वह बुद्धिमान पुरुष प्रत्येक तत्व प्राणी में परमात्मा को व्याप्त जान अमर हो जाता है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि अमर कैसे होता है व्यक्ति, अमर कौन होता है, तो अमर वही होता है जो परमात्मा को जिसने जान लिया है, जिसने यथार्थ लक्ष्य, यहाँ पे क्या बोला गया है, लक्ष्य है परमात्मा को जानना या ब्रह्म को जानना ही लक्ष्य है। तो ये जो यथार्थ या लक्ष्य आया है, यथार्थ का तात्पर्य है लक्ष्य और यथार्थ से तात्पर्य ही है ब्रह्म और ब्रह्म से तात्पर्य है लक्ष्य। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मतलब भौतिक जीवन की लक्ष्य की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे परम ब्रह्म परमात्मा को जानने की बात की जा रही है और जो उसको जान लेता है वही बुद्धिमान पुरुष अमर होता है। इसमें किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन? मैम जैसे कि आपने पहले खंड में पहला ही मंत्र लिया है और दूसरे खंड में फोर्थ मंत्र लिया है, तो बस इतना ही करना है ना हमें? हाँ देखो आप ना उसमें सिलेबस में यदि देखोगे, एक मिनट में दिखाती हूँ, सिलेबस में क्या लिखा है, आत्मा स्व मन और सत्य की अंतर्दर्भी अनुभूति, ठीक है, हमें यही जानना है और कुछ भी नहीं जानना कि सत्य की अनुभूति कैसे होगी। तो ये हमने अभी यही जाना कि सत्य की अनुभूति कैसे होगी, कैसे होती, आत्मना विदंते वीर्यम, जब आत्मज्ञान हो जाएगा, आत्मबल हो जाएगा, आत्मविद्या होगी, तभी उस परमात्मा स्वरूप आत्मा की अनुभूति होगी अर्थात ब्रह्म की अनुभूति होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सत्य की, ब्रह्म की सहज अनुभूति जो लिखा है, इधर सत्य भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, इस सत्य की सहज अनुभूति कैसे होती है। तो ये आपका सिलेबस का ये पार्ट कवर कर है, पूरा उपनिषद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो जरूरी है सिर्फ उतना पढ़ना है। नेक्स्ट तृतीय खंड, तृतीय खंड सबसे इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे क्या है, यक्ष उपाख्यान है, मतलब यक्ष, यक्ष के रूप में कौन आते हैं, ब्रह्म ही आते हैं और देवताओं से
चर्चा होती है। उपाख्यान मतलब देवताओं को कहना चाहिए, एक प्रकार से समझाया जाता है। होता क्या है, जब देवों और असुरों का युद्ध हुआ था तो उसमें देव जीत जाते हैं और उन पे अभिमान आ जाता है। उनको लगता है कि जितना भी जो भी हमने युद्ध में किया ये हमारे द्वारा ही हुआ है और हमने हम सब देवताओं ने मिलकर के विजय प्राप्त की है और असुरों को हमने हरा दिया है। तो वह उस अहंकार में जीने लगते हैं और कहीं ना कहीं जो उनसे छोटे होते हैं या उससे तुच्छ जो कहते हैं प्राणी जो होते हैं उनको वह कष्ट पहुंचाने लगते हैं। तब यक्ष उनका अभिमान देखकर एक दिन क्या होता है कि ब्रह्म यक्ष के रूप में प्रकट होते हैं। यक्ष से तात्पर्य बोला जाए कि एक साधारण मनुष्य की तरह या ऋषि की तरह प्रकट होते हैं। जैसे उसमें भी संवाद आता है कि यक्ष ने जब राजा युधिष्ठिर महाभारत से में ना भी हाँ युधिष्ठिर से भी प्रश्न पूछा था, तो सेम ऐसे ही यहाँ पे भी यक्ष ब्रह्म जो है यक्ष के रूप में प्रकट होते हैं और उनसे उनको उपाख्यान देते हैं। तो यहाँ पर इंद्र और जो बाकी देव होते हैं वो सोचते हैं ये कोई साधारण पुरुष है। तो इंद्र उन्हें अनुमति लेते हैं अग्निदेव की, पहले मैं जाता हूँ और पता करता हूँ कि कौन है। तो इंद्र उन्हें अनुमति देते हैं और इंद्र की आज्ञा से अग्निदेव यक्ष के पास मिलने जाते हैं। अग्नि को यहाँ जातवेदा कहा है। तो जब अग्निदेव मिलने जाते हैं ब्रह्म से तो अग्निदेव जोर जोर से हंसते हैं और कहते हैं कि मैं इस पूरी दुनिया को भस्म कर सकता हूँ। यक्ष कहते हैं कि ऐसे क्या शक्ति है तुम में, कहते हैं मेरे में बहुत शक्ति है और मैं पूरी दुनिया को अपने तेज से भस्म कर सकता हूँ। कहते हैं तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने बताया मेरा नाम जातवेदा है। तो यक्ष ने एक छोटा सा तिनका उठाया और कहा यदि तुम पूरी दुनिया को भस्म कर सकते हो वो तो अलग बात है, सबसे पहले तुम ऐसे तिनके को भस्म करके दिखाओ। तो अग्निदेव अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं लेकिन उस तिनके को भस्म नहीं कर पाते और उनकी इंसल्ट होती है। वो सोचते हैं मेरी बेइज्जती हुई या मैं ऐसा नहीं कर पाया, मेरी शक्ति आखिर कहाँ गई, क्योंकि ब्रह्म जो होते हैं उनकी शक्ति को छीण कर देते हैं। तो उनकी शक्ति जब छीण होती है और वह उस कार्य को नहीं कर पाते जो वह करना चाहते हैं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, वो एक तिनके को भी नहीं जला पाते हैं, तो शर्म के कारण वो भागकर वापस चले जाते हैं। और पूरा जो उपाख्यान था यहाँ पे व्याख्यान देखा जाए तो पूरा इंद्र को बताते, कहते ऐसा ऐसा हुआ और मैं तो हार गया। तभी वायु देव को क्रोध आता, कहता है मैं जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि आखिर कौन है। और वायु देव जाते हैं, तब यक्ष पूछते हैं कि आप कौन है। वायु देव कहते हैं मैं मातृष्वा हूँ। कहते हैं अच्छा आप में ऐसी क्या शक्ति है, तो वायुदेव कहते हैं मेरे में इतनी शक्ति है कि मैं इस पूरी दुनिया को उड़ा सकता हूँ, अपनी वायु से भस्म कर सकता हूँ, उड़ा सकता हूँ, पूरे में तूफान आ सकता है, इस प्रकार से ये कहते हैं। तो यक्ष कहते हैं कि सारी चीजें अस्त व्यस्त करना, सारी चीजों को उड़ाना वह तो बाद में होगा, सबसे पहले ये छोटा सा तिनका उनके हाथ में देते हैं और कहते हैं इस तिनके को उड़ा कर बताओ अपनी वायु से। वायुदेव पूरी ताकत लगा देते हैं अपनी, जितना भी उनके अंदर मातृश्वर, जितना भी उनके अंदर वायु होती है, हवा होती है, उस पूरी ताकत को लगाते हैं, पूरी शक्ति को लगाते हैं, लेकिन एक वो छोटे से तिनके को भी नहीं उड़ा पाते। तो कहीं ना कहीं उनका आत्मविश्वास डोलता है और कहते हैं कि मैं तो यही नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर वह भी उनको भी इंसल्ट फील होता है और वह चले जाते हैं वापस। और वह फिर से इंद्र को ये सारी चीजें बताते हैं। तब इंद्र गुस्से में आते हैं और इंद्र कहते हैं मैं जाकर देखता हूँ ऐसा कौन है यह व्यक्ति जो इसमें इतनी शक्ति है कि आप लोग नाकामयाब रहे। जब इंद्र जाते हैं तो यक्ष वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं और अंतर ध्यान होते ही इंद्र ने उनको देखा कि उनका जो स्वरूप होता है यह हम बाद में बताएंगे। तो वह इंद्र ध्यान होते हैं और यहाँ पे इंद्र को मघवन कहा है, मघवन देवताओं ने कहा है। जब वो कहते हैं वापस आते कहते हे मघवन हम तो अपने कार्य में निष्फल रहे, हम नहीं जानते कि आखिर वह कौन ऐसे श्रेष्ठ पुरुष हैं जिनके द्वारा हमारी शक्ति छीन हो गई और हम अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ इसीलिए इंद्र को मघवन कहा गया है। तो याद रखिएगा अग्नि का नाम है जातवेदा, वायु का नाम है मातृष्वा और इंद्र का नाम है मघवन। इंद्र को सबसे श्रेष्ठ देव कहा गया है, इसका भी कारण है क्योंकि जब इंद्र जाते हैं तो यक्ष अंतर ध्यान हो जाते हैं और वहां पर उनको मिलती है हेमवती पुत्र, जो हिमालयन पुत्री उमा देवी हैं, तो हेमवती उमा देवी मिलती है और उनसे इंद्र उनके बारे में पूछते हैं। तब हेमवती ने कहा कि यह तो श्रेष्ठ
परम ब्रह्म ही है। ये काश्मीर लिख गया है कुछ से। तो यहाँ पर कहते हैं कि हेमवती ने बताया उनको कि वो ब्रह्म थे जिनको आप साधारण पुरुष समझ रहे थे। तो इस प्रकार से सबसे निकट से दर्शन जब होते, क्योंकि जब वो अंतर ध्यान होते हैं तो वो अपने स्वरूप में आते हैं, अपने स्वरूप में अर्थात बिंदु स्वरूप में आते हैं, वह चमक उनको दिखाई देती है। इस वजह से उनको कहा गया है कि वह सबसे श्रेष्ठ इसीलिए है क्योंकि उन्होंने सबसे निकट से ब्रह्म को सबसे निकट से देखा है और सबसे निकट से दर्शन किया है और सबसे पहले ब्रह्म के बारे में उनको ज्ञान हुआ है। और वह दिया है किसने? उमा देवी ने दिया है। तो यह सिर्फ इतनी कहानी थी। इसमें प्रश्न ये आता है, या तो आपसे पूछा जाएगा अग्नि का दूसरा नाम या अग्नि को क्या कहा गया है जातवेदा, या तो सबसे पहले ब्रह्म के पास या यक्ष के पास मिलने कौन गया तो जातवेदा, दोबारा या दूसरी बार मिलने कौन गया तो वायुमा त्रिश्वा, और सबसे अंतिम मिलने कौन गया इंद्र अर्थात मघवन। किसको यक्ष की या ब्रह्म की बहुत निकटतम अनुभूति होती है तो उसका उत्तर होगा इंद्र को, इसीलिए इंद्र को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। और हेमवती उमा देवी उन्हें पूरा ब्रह्म का परिचय देती है। इसमें किसी को कुछ डाउट है भाई? मैम इसके श्लोक बता दीजिए कौन कौन से हैं। इसमें श्लोक नहीं, आपको याद रखना है, ये याद रखना श्लोक से, जैसे जातवेदा, मातृश्वा, मघवन, ठीक है, इनके नाम याद रखने, ये संस्कृत नेम है। और दूसरा, ये ज्ञान किसने दिया उनको? उमा देवी ने दिया जब यक्ष अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो इंद्र को ज्ञान किसने दिया? तो ये नाम याद रखिए कि हेमवती हिमालयन पुत्री उमा देवी ने। मैम इसमें मतलब पूरे 12 के 12 मंत्र कवर हो ही गए जो आपने पूरा बताया उसमें। हमें इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं, इम्पॉर्टेंट चीजें हमें कवर करनी, पूरे मंत्र कवर नहीं करने। इसमें पूरा कहानी दी गई है पूरे मंत्रों में, तो जो मैंने आपको कहानी बताई वही कहानी है कि किस प्रकार से ब्रह्म को आते हैं, यक्ष आते हैं और किस प्रकार से सभी देव जाते हैं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और वो निष्फल रहते हैं। यही चीजें बताई गई है उन 12 मंत्रों में, तो ये कहानी लिखने की आवश्यकता नहीं है। आई थिंक आप लोगों को सुनकर याद हो जाएगी। ठीक है, किसी को और कोई प्रश्न पूछना है? ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं चतुर्थ खंड में। हाँ बताइए। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं चतुर्थ खंड में। चतुर्थ खंड में ब्रह्म को तद्वन नाम से जाना गया है, कहा गया है कि ब्रह्म कौन है तो तद्वन है। तद्वन का तात्पर्य क्या है यह भी उमा देवी ही बताती है कि यह तद्वन है। तो चतुर्थ खंड में आप पढ़ेंगे कि ब्रह्म तद्वन नाम से प्रसिद्ध है। तद का तात्पर्य है भजनीय और वन का तात्पर्य है रस। अर्थ इसका होता है प्रेम पूर्वक भजने, ध्यान करने योग्य फल से, भजने ध्यान करने योग्य फल उसे संपूर्ण प्राणी प्रिय मानते हैं। मतलब जिसको प्रेम पूर्वक भजा जाए, जिसका ध्यान किया जाए, या ध्यान करने योग्य जो है उससे जो फल प्राप्त होता है वह संपूर्ण प्राणी जो होते हैं उसको प्रिय मानते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये चीज याद रखना है कि किस उपनिषद में ब्रह्म को तद्वन नाम से संबोधित किया गया है। तो केन उपनिषद में, या तो यह आ सकता है कि केन उपनिषद में ब्रह्म को किस नाम से संबोधित किया गया, और 4 ऑप्शन दे सकते हैं। सोहम अस्वी दे सकता है, तद्वन दे सकते हैं। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन देंगे और 4 ऑप्शन में से एक को चुनना होगा। इसका अर्थ तो नहीं पूछा जाएगा कि क्या होता है, ये एक आइडिया के लिए बता दिया कि प्रेम पूर्वक भजना वही होता है तद्वन। अब उसमें कहा कि जैसे मैंने आपको बताया था ना कि संकेत की कैसे ब्रह्म को जानेंगे कि यह ब्रह्म ही था, उमा देवी ने कैसे बताया कि यह ब्रह्म ही थे। तो ब्रह्म की उपस्थिति का जो संकेत है श्लोक में भी आता है कि आदि दैविक संकेत, ब्रह्म का जो सूक्ष्म संकेत है वह क्या है? आदि दैविक संकेत है। और जब ब्रह्म अंतर ध्यान हुए थे और जब ब्रह्म या यक्ष प्रकट हुए थे तो उनमें इतना प्रकाश था,
कि पलक झपकने जैसा और बिजली चमकने जैसा, कि मतलब एक आपकी पलक नहीं झपक पाएगी और बिजली जैसे चमकती है ना, इस प्रकार से वो 1 सेकंड से भी कम क्षण मात्र के लिए भी उन्होंने देखा। तो इसी प्रकार से अंतर ध्यान होते हुए इंद्र ने देखा था, इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि नेत्रों के झपकने जैसा, बिजली चमकने जैसा, ब्रह्म का सूक्ष्म आदि दैविक संकेत था, एक संकेत के रूप में देखते हैं। मैम एक बार दोबारा बताना ये। यहाँ पे ये पूछा जाता है कि ब्रह्म की उपस्थिति का संकेत, ब्रह्म की मतलब उपस्थिति थी वहां, उसका संकेत क्या है, कैसे पता चला था। तब वहां पे बताते हैं कि नेत्रों पलक के झपकने जैसा, बिजली के चमकने जैसा, मतलब जितने क्षण में हम पलक झपकाते हैं उतने क्षण में ही एक बिजली के चमकने जैसा बहुत तेज प्रकाश हुआ, और वह एक आदि दैविक संकेत था। ठीक है, ओके मैम, ये चीज याद रखना कि मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रह्म का संकेत कैसा था, आदि दैविक, आदि भौतिक या अध्यात्मिक। तो आपको याद रखना है कि आदि दैविक संकेत था, और कितना क्षण मात्र लगा, तो बिजली चमकने जैसा और पलक झपकने जैसा, अर्थात नेत्रों के झपकना। ठीक है, दो चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तत्व यस मैम। और आदि दैविक संकेत। हाँ, कोई पूछ रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं क्या? ठीक नो मैम, हो गया, क्लियर हो गया। ओके, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ ये देखिए, फोर्थ नंबर का जो श्लोक है यहाँ पर बताया, इत्यादि दैवतम, मतलब आदि दैविक रूप में, आदि दैविक संकेत आता है ब्रह्म का। ठीक है, तो मंत्रों को लेकर चलना है, जो संस्कृत है उससे ही प्रश्न आते हैं। लास्ट में इसी फोर्थ अध्याय में पूछा जाता है कि ब्रह्म विद्या की नींव क्या है, ये या इसको तीन चार उसमें पूछा जाता है, या तो ब्रह्म विद्या के तीन साधन, ब्रह्म विद्या मतलब अनुभव, कैसे अनुभव किया, कैसे अनुभव कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं। तो ब्रह्म विद्या के तीन साधन, तीन आधार, तीन नींव या तीन प्रतिष्ठा, ये अन्य अन्य नामों से जाना जाता है। ये तीनों का पर्यायवाची ही है, ये चारों पर, तीन साधन भी बोल सकते हैं, तीन आधार भी बोल सकते हैं, कि ब्रह्म विद्या को जानने के तीन आधार कौन से हैं, ब्रह्म विद्या की जानने की तीन प्रतिष्ठाएं कौन सी हैं, ब्रह्म विद्या के तीन साधन कौन से हैं, ब्रह्म विद्या की तीन नींव कौन सी हैं। तो यहाँ पर तीन चीजें बताई गई हैं, तप, दम और कर्म, ये तीन चीजें बताई गई। तो पहला जो आपका आता है तप, तप किसे कहते हैं, तो यहाँ पर बताया गया स्वधर्म पालन, कष्ट को सहन करना और अशुद्धि का नाश करना, यही है तप। ये तीन वर्ड यहाँ पे दिए गए हैं कि स्वधर्म का पालन करना, कष्ट को सहन करना और अशुद्धि का नाश करना। ये प्रश्न आ भी चुका है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, है एक में किसी में, तो उसमें यही तीन चीजें पूछी गई थी, कि साधन पूछा गया था शायद ब्रह्म विद्या के तीन साधन कौन कौन से, तो तप, दम और कर्म। आई थिंक सीक्वेंस भी आ सकता है इसमें, या तो तीन डायरेक्ट आपसे पूछे भी जा सकते हैं। दम का तात्पर्य पता ही है सबको, इंद्रियों का दमन करना, अर्थात मन एवं इंद्रियों का नियंत्रण करना। कर्म का तात्पर्य यहाँ पे निष्काम कर्म लिया गया है। यहाँ देखा जाए जैसे यहाँ पे भी हम गीता की बात आ गई, ठीक है, तो तप, दम और कर्म, जहां भी कर्म की बात होगी उपनिषद में और गीता में, वहां पे हम निष्काम कर्म योग की ही बात करते हैं, कि कर्म कैसा होना चाहिए योगी का, तो निष्काम कर्म योग होना चाहिए, तो वही बात की गई है यहाँ पर। नेक्स्ट, आपने रिकॉर्डिंग लगा दी थी? यस मैम। हेलो, मैम ओके, एक ठीक बार है, और स्लाइड दिखा दो, मैम पीछे वाला स्लाइड दिखा दो थोड़ा सा, कौन सा वाला? यही वाला, यही वाला। ठीक है, इसमें तप बताया गया है, दम और कर्म, तीन चीज। तप होता है स्वधर्म पालन, या कष्ट को सहन करना, कष्ट मतलब यहाँ पे बोला ना, सर्दी गर्मी इस प्रकार से, आप जैसे हम उसमें भी पढ़ते हैं योग सूत्र में पढ़ा होगा आपने तप, ठीक है, दम पढ़ते हैं इंद्रियों का दमन करना, और कर्म पढ़ते हैं तो निष्काम कर्म योग। तो इन तीन चीजों से ही ब्रह्म को जाना जा सकता है। जब आप
कष्ट को सहन करेंगे, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, छांव हो, किसी भी समय पर जब व्यक्ति ब्रह्म की उपासना करता है। अशुद्धि का नाश करना, अशुद्धि का तात्पर्य यहाँ पर शारीरिक और मानसिक दोनों अशुद्धियों को कहा गया है। तो शारीरिक अशुद्धियां जैसे हम अपने योग में यदि देखा जाए तो हम क्रियाओं के द्वारा इंटरनल जो क्लीनिंग करते हैं तो अशुद्धि का नाश करते हैं। मन की जो शुद्धि होती है देखा जाता है, हम त्राटक के द्वारा भी करते हैं मन की शुद्धि, और अन्य जैसे मेडिटेशन के द्वारा करते हैं। तो इस प्रकार से अशुद्धि का नाश करना है, मन और इंद्रियों का दमन करना है, और निष्काम कर्म योग करना है, अर्थात कर्म करते हुए भी उनमें लिप्त नहीं होना, कर्ता के भाव से करना है। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? मैम, प्रथम खंड का जो लास्ट वाला था, ब्रह्म की महिमा, वो एक बार और बता दीजिए। ब्रह्म की महिमा, यहाँ पर ब्रह्म की महिमा में जो गुरु हैं, गुरु शिष्य को उत्तर दे रहे हैं, कहते हैं कि मन, क्योंकि शिष्य ना क्या करते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि मुझे ब्रह्म के बारे में पता चल जाए, या तो वो पूछना चाह रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ सारी चीजें, लेकिन मुझे ब्रह्म दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं, मुझे सुनाई क्यों नहीं दे रहे हैं। तभी वो जो गुरु होते हैं वह कहते हैं कि मन प्राण वाणी स्रोत के द्वारा ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता। ब्रह्म को यदि जाना जा सकता है तो वह कैसे जाना जा सकता है, कि तुम इसी को ही ब्रह्म समझना शुरू करो, जो तुम्हारे अंदर है वही ब्रह्म है। जैसे हमने ईशावास्य उपनिषद में पढ़ा था ना, सोहम अस्मि, मैं भी वही हूँ जो तुम हो, अर्थात तुम आत्मस्वरूप हो, मैं भी आत्मस्वरूप हूँ। तो वह वही यहाँ पे कहा गया कि बल्कि मन की शक्ति, वाणी की शक्ति, प्राण की चेष्टा, चक्षु एवं श्रोत शक्ति, इसे ही तो ब्रह्म है जान। तो जो भी आपके अंदर शक्ति है, जो भी आपके अंदर सोच रहे हैं या सोचने की शक्ति है, जो बोल रहे हैं, वाणी बोलने की शक्ति है, प्राण जो श्वास प्रश्वास चल रहा है, चक्षु जिनके कारण देख पा रहे हैं, श्रोत जिनके कारण सुन पा रहे हैं, तो इनमें जो शक्ति आई हुई है वह कैसे आई है, ब्रह्म के कारण ही है। यदि ब्रह्म नहीं होते तो आपके अंदर यह शक्ति नहीं होती, ना तो आप देख पाते, ना सुन पाते, ना बोल पाते, और ना ही आपका जीवन होता। तो इन सब का कारणभूत ही ईश्वर है, इसे ही तू ब्रह्म जान। गॉट इट? ओके क्लियर मैम, है? ओके मैम, मीन्स शक्ति, जो हमारे अंदर शक्ति है वही ब्रह्म है। यस, हाँ, ओके, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। और किसी का कोई प्रश्न है? अभी और कितना है ये मेन उपनिषद में? क्या कितना है मतलब? मेन उपनिषद में भी सिलेबस और भी कितना है? आपने सिलेबस देखा है? 10 उपनिषद है टोटल, 2 पढ़ लिए, मतलब 8 बचा है हाँ, मैम। अभी नेक्स्ट आप करवाओगे अभी? यस, आप लोग सिलेबस भी थोड़ा ध्यान से देखिए। ये प्रश्न वैसे तो कहना नहीं चाहिए, ये पूछने वाला प्रश्न ही था, क्योंकि यदि आपने सिलेबस एक्चुअली अच्छे से देखा है। हाँ मैम हाँ एक्चुअली मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि जैसे भी, जैसे 15 मिनट है तो भी आप नेक्स्ट स्टार्ट करवा रहे हो, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। नहीं, मैं अभी नहीं कराऊंगी, कल ही कराऊंगी, और आपके 10 दिन में उपनिषद ठीक खत्म हो जाएंगे। छंदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद एक दिन में हो जाएगा, बाकी में थोड़ा सा प्रश्न और कठोपनिषद में टाइम लगेगा, बाकी सब छोटे उपनिषद हैं। और आपको क्योंकि एग्जाम डेट शीट आ गई है, तो मेन मेन चीजों पर फोकस करना है, और थोड़ा सा सिलेबस से भी गो थ्रू हो जाइए कि किन जो चीजें नहीं हुई हैं तो उन पर प्रेशर नहीं देना है, जो चीजें हो गई हैं या जो चीजें चल रही हैं उनको अच्छे से करो आप। कितना सिलेबस हो गया वैसे आप लोगों का? कुछ ही बस बचा है मैम इसमें का, मतलब योग वासिष्ठ सिद्ध सिद्धांत पद्धति, और ये मेन उपनिषद, और शायद बहुत कम टॉपिक है जो 1st यूनिट वाले रह गए हैं, अच्छा, और ठीक है, तो जो एग्जाम आ गए हैं आप? 9th चैप्टर क्या चल ही रहा है, 9th चैप्टर क्या चल चल रहा है? रहा है, अच्छा नाइन्थ अच्छा चैप्टर है। हाँ, तो आप लोग हठ योग ग्रंथ और जो उपनिषद हो गए वो, और जो डेली पढ़ाए जा रहे हैं पतंजलि योग सूत्र, इन सब का आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। ये पार्ट यदि स्ट्रोंग होता है ना, तो आपको नंबर मतलब कहीं ना कहीं अच्छे ही मिल जाते हैं, बाकी चीजों से तो मिले ही गए हैं, लेकिन इन चीजों को स्ट्रोंग करके रखिए, 4-5 यूनिट अपनी, क्योंकि ये 4-5 यूनिट स्ट्रोंग रहेंगे तो बाकी यूनिट भी आप लोग अच्छे से कर सकते हो। मैम ये उपनिषद बहुत इंटरेस्टिंग थे, मतलब पहले हो जाने चाहिए थे।
मतलब नहीं, अच्छा लग रहा उपनिषद सच में बहुत अच्छे हैं। दिया तो मुझे ही गया था पढ़ाने, बट मैं क्या करूं, मैं बहुत बिजी थी तो 1 महीने से डिले हो रहा है। सॉरी फॉर दैट, मेरे ही कहां डिले हुआ है। है। मैम आप आज का क्वेश्चन कर लीजिए ना। मैम 20 तारीख तो कंप्लीट होंगे, तो हम रिवाइज कब करेंगे इनको? इनका डेली का डेली आप रिवाइज करते जाओ, इसीलिए मैं इतने आराम से पढ़ा रही हूँ। ज्यादा जल्दी जल्दी भागने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने पढ़ाना, आपने कल उपनिषद पढ़ा, ईशावास्य उपनिषद, उसका हमने आज रिवीजन कर लिया। आज जो पढ़ा इसका कल भी हम रिवीजन भी करेंगे, ईशावास्य उपनिषद का भी, इसका भी। और एक बार आप लोग पढ़िए, देखिए कि क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है? और मैं भी देखती हूँ पूरा प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन है, एक दिन वो करा दूंगी सभी मैम उपनिषद की, कल उसमें वाला भेज ज्यादा। देना। कल वाला पीपीटी हाँ मैं भेजती हूँ। बाकी आप लोग, ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप लोग जैसे अभी पढ़ रहे हो, साथ साथ में नोट्स बनाओ और इम्पोर्टेंट चीजों पे टिक करते जाओ। लास्ट टाइम में आपके नोट्स ही काम आएंगे। बस एक बार नोट से गो थ्रू होइए और उसको देखिए। ज्यादा चीजें इकट्ठी करने की कोशिश मत करिए, जितना है बस उसको पढ़िए, आराम से क्लियर होगा। ओके, अभी मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे। ब्रह्म विद्या के 3 आधार कौन कौन से? कोई भी एक आंसर दीजिए। हाँ, दम कर्म कर्म तप, तप दम कर्म। मैम वॉइस नहीं आ रही है। हेलो, मैम मैं ना एग्जिट हो गई थी गलती से। चलिए अभी फिर से मैं जुड़ गई हूँ। ओके, चलिए। कोई एक केन उपनिषद जो अभी हमने पढ़ा, उसके अंतिम अध्याय में क्या क्या चीजें बताई गई है, मतलब खंड में, चौथा जो खंड है 4th नंबर का, उसपे क्या क्या चीजें बताई गई? कोई एक माइक ओपन करके और बताइए, एक रिवीजन हो जाएगा आपका। फोर्थ अध्याय में मैम क्या उस क्या? हाँ मैम उस यज्ञ मैं का बता रही हूँ मैम। मैम ब्रह्म में पूछा गया कि ब्रह्म तद्वन नाम से प्रसिद्ध है, तद भजनी है, इसमें इसमें ये भी कहा गया है, ऐसे इसका अर्थ बताया गया है कि तद भजनी मीन्स कि प्रेम पूर्वक भजना, ध्यान करने योग्य जो हो उसे ऐसे माना जाता है इसको। और ब्रह्म की उपस्थिति का संकेत बताया गया है इसमें कि ब्रह्म जो है वो सूक्ष्म है, ये आदिदैविक संकेत है ब्रह्म। और ब्रह्म को समझने के लिए इसको ऐसे समझा जा सकता है कि जैसे नेत्रों को झपकना, बिजली का चमकना, ये ब्रह्म की उपस्थिति ऐसी बताई गई है। और इसी में ब्रह्म विद्या के जो है उसके 3 साधन 3 आधार बताए गए हैं, तप दम और कर्म, जिसमें तप में स्वधर्म पालन, कष्ट सहन करना, अशुद्धि नाश बताया गया है, और दम में मन एवं इंद्रियों पर नियंत्रण और कर्म में निष्काम करना बताया गया है। ओके, गुड। ठीक है, अभी कोई और बताइएगा। किस के निशितम पतति मना, ये जो प्रश्न, 4 प्रश्न पूछे गए हैं, किस खंड में पूछे गए हैं,
और कौन से चार प्रश्न पूछे गए हैं? मैम ये प्रथम खंड में पूछे गए हैं, ठीक है, कौन मतलब कौन से रहे? चार है मैम, किसके द्वारा प्रेरित मन, और किसके द्वारा प्राण चलता है, और किसके द्वारा वाणी क्रियाशील होती है, और कौन देव नेत्र एवं कर्ण को नियुक्त करता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है मैम सबका कारण, हाँ जी इसका कारण है मैम सबका कारण भूत ईश्वर तत्व है, ईश्वर है ब्रह्म। ओके, ठीक है, चलिए आप लोगों से मतलब बन जाएगा, इजी है ये, इसमें कहानियां नहीं है। यक्ष से मिलने तीन देवता जाते हैं, उनके सीक्वेंस से नाम बताइए, बाकी लोग कमेंट में भी दीजिए आंसर। हम पहले अग्नि देवता, फिर अग्नि वायु देवता, और फिर इंद्र। अग्नि ठीक है, अग्नि को क्या कहा गया मैम जात वेदा, है? जात वेदा। जात वायु को? मातृश्वा, मातृश्वा। मातृश्वा ठीक है, और इंद्र को क्या कहा गया? देवताओं के द्वारा क्या संबोधित किया गया है इंद्र को? मघवन, मघवन। मघवन। ठीक है, सबसे समीप और निकट किसने यक्ष के दर्शन किए थे? यक्ष को किसने इंद्र, इंद्र ने इंद्र भगवान ने, किसने इंद्र को ब्रह्म का ज्ञान दिया था? हेमवती उमा उमा देवी, देवी। पार्वती उमा देवी ने। ठीक है, यक्ष अंतर ध्यान हुए हैं या यक्ष ब्रह्म के रूप में ही प्रकट हुए थे, यह संकेत किसके द्वारा पता चला था? कैसा था वह संकेत? बिजली, बिजली नेत्रों को नेत्र का चमकना, बिजली चपकाना, चमकने जैसा। एक जो मेन पॉइंट आपको बता रहे हैं, आदिदैविक, संकेत। आदिदैविक, हाँ आदिदैविक, हाँ आदिदैविक हाँ संकेत मैम। वेरी गुड। हाँ, आदि दैविक, बिजली चमकने जैसा, पलक झपकने जैसा, है ना? ठीक है, बस इतना ही है इसमें। और ब्रह्म को जानने के लिए जो एक मंत्र मैंने बताया था दूसरे खंड में, कैसे ब्रह्म की अनुभूति होती है, ब्रह्म को कैसे जानते हैं, किसी को याद हुआ है मंत्र? मैम आत्मना विदन्ते आत्मना वीर्य विद्या विदन्ते विदन्ते, अमृतम्। गुड। ठीक है, आत्मा विदन्ते वीर्यम, विद्या विदन्ते अमृतम। ठीक है, तो आत्मा यहाँ पे मंत्र से भी याद रखिएगा। हाँ नीरज, बच्चे पढ़ रहे हैं, सभी पढ़ रहे हैं, तुम भी आंसर दो जल्दी जल्दी। जिन्होंने कमेंट में भी रिप्लाई किया है, वेरी गुड, सभी ने सही आंसर दिया है। गुड चलिए, नेक्स्ट हम कल क्लास करेंगे, ने सिलेबस भी पता हो जाएगा। आप लोग एक बार सिलेबस जरूर देखिएगा, क्योंकि सिलेबस से प्रश्न आते हैं आपको। हर बार आप पेपर उठाएंगे ना, तो 2 से 3 प्रश्न आपको डायरेक्ट सिलेबस से ही मिल जाएंगे। तो सिलेबस तो आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, किस यूनिट में क्या है, कहाँ पे क्या दिया हुआ है, कितना क्या पूछा जा रहा है कहाँ से, और उसी सिलेबस के अनुसार ही चलना है। ठीक है, गुड। ओके, थैंक यू वेरी मच, ध्यान रखिए सभी अपना। थैंक यू थैंक मैम, यू मैम। मैम कल संडे क्लास होगा क्या? हाँ, कल भी क्लास होगी।